वर्तमान समय में कर्मचारी स्थानांतरण के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार ने कर्मचारियों के लिए स्थानांतरणी जारी कर दी है। यद्यपि इसमें दिक्कत ये है कि जो कर्मचारी आज की तारीख में है वो कोरोना की स्थितियों से बहुत भयभीत है। उसको स्थानांतरण जब दूसरे ज़िलों में होगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत सभी बड़ी समस्या पैदा होगी वहाँ पर जाने में, उसके परिवार को जाने में, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है। बच्चों के ऊपर भी असर डालने की इसकी उम्मीद है, जैसा सभी चैनल्स और सभी मीडिया और सभी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। इस समय कम से कम स्थानांतरण ही होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों के स्थानांतरण ही होना चाहिए जिनको आवश्यकता है, जो 400-500 किलोमीटर दूर अपने परिवारों से दूर रहकर पड़े हुए हैं और उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से पिछले वर्षों में। इस बार प्रयास यही होना चाहिए कि उन्हीं लोगों के ट्रांसफ़र तत्परता से किए जाएँ और उनको भी अपने घर भेजा जाए ताकि उनको भी राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना काल का अभी पता नहीं है कब तक ये चलेगा और कब तक रहेगा और कितनी भीमस स्थिति में ये आएगा। सरकार से यही कहना है कि ट्रांसफ़र में ये देखा जाए कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उन्हीं लोगों को अधिकतम ट्रांसफ़र किए जाएं और तभी लोगों को लगेगा और राहत की सांस महसूस करेंगे, कर्मचारी समाज राहत ले सकेगा। नहीं, पर्षद में तो अभी तमाम सारे मुद्दे हमारे हैं, जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था है, डीए क्या मुद्दा हमारा है जो सरकार ने हमारे छीन लिए हैं, तमाम सारे यहाँ स्टेट ने हमारे एक प्रमुख सचिव के कहने पर हमारे छीने गए हैं। हम चाहेंगे कि अभी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर लड़ेंगे और इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ बड़े कार्यक्रम देंगे जिससे कि दो दो हाथ हो सके और हम लोग उसका वसूली कर सकें और बात कर सकें और अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को निपटा सकें। ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और इसके लिए आपकी क्या मांग है? अब ये तो सरकार को देखना है कि कैसे पारदर्शिता होगी। हम लोग तो चाहते हैं कि पारदर्शी हो, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। पिछले सालों में भी नहीं हुआ, इस सरकार में भी नहीं हुआ, पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ। ऊपर से जो चाहते हैं वो ट्रांसफर मंत्री स्तर से होते हैं, शासन स्तर से होते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो नीति बनाई जाए उसका पालन मंत्री और सांसद और विधायक से लेकर सभी शासन के लोग करें, तभी लगेगा कि हाँ कुछ ठीक ठाक सा इस सरकार में चल रहा है।